ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा कही जाने वाली उर्वशी और पृथ्वी पर रहने वाले राजा पुरुरवा की प्रेम कहानी के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा कही जाने वाली उर्वशी का जिक्र अक्सर हम सभी को पौराणिक कथाओं में पढ़ने को मिलता रहता है। दोस्तों माना जाता है कि अप्सराएं स्वर्ग में रहने वाली सुंदरियां होती हैं, जो नृत्य और संगीत में निपुण होती है और खूबसूरती में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दोस्तों ऐसी ही कुछ अप्सराओं का जिक्र आपने कई बार पौराणिक कहानियों में सुना होगा, जैसे कि मेनका, उर्वशी, मोहिनी। दोस्तों इन अप्सराओं ने समय समय पर अपनी खूबसूरती के जरिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों मेनका ने ऋषि विश्वामित्र का तप भंग किया था और मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार थी जो राक्षसों से अमृत लेकर आई थी। वहीं अगर बात करें स्वर्ग की उर्वशी की तो माना जाता है कि उर्वशी भगवान विष्णु की जांघ से जन्मी थी। दोस्तों उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। उर्वशी की वजह से ही स्वर्ग में रौनक लगी रहती थी, लेकिन उर्वशी स्वर्ग की जिंदगी से उब चुकी थी। तब एक बार स्वर्ग की उर्वशी ने कुछ वक्त धरती पर रहने की बात सोची और उर्वशी धरती पर रहने के लिए आ गई। कुछ वक्त धरती पर रहने के बाद जब उर्वशी स्वर्ग वापस लौटने लगी तो उर्वशी पर राक्षसों की नजर पड़ी। वो उसे अपने साथ पाताल लोक ले जाना चाहते थे। उस वक्त राजा पुरुरवा ने उर्वशी को राक्षसों से बचाया था। राजा पुरुरवा चंद्रवंशी राजा थे। उनके माता पिता का नाम इला और बुद्ध था। दोस्तों राक्षसों से बचाते वक्त राजा पुरुरवा का हाथ अप्सरा उर्वशी के शरीर को टच कर गया। ऐसा पहली बार था जब उर्वशी को किसी आदमी ने स्पर्श किया था। राक्षसों से बचने के बाद स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने कुछ वक्त दोबारा धरती पर रहने को सोचा। दोस्तों इस दौरान उर्वशी ने एक नाटक में भाग लिया जिसमें उर्वशी ने माता लक्ष्मी का किरदार निभाया, लेकिन नाटक के दौरान उर्वशी ने माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु की जगह राजा पुरुरवा का नाम ले लिया, जिसे क्रोध में आकर ऋषि भरत मुनि ने उर्वशी को धरती पर एक आम महिला की जिंदगी जीने का श्राप दे दिया। लेकिन उर्वशी को इस श्राप से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो अपना दिल राजा पुरुरवा को दे चुकी थी। राजा पुरुरवा भी उर्वशी को चाहने लगे थे। उन्होंने अप्सरा उर्वशी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने राजा पुरुरवा से शादी करने से पहले उनके सामने तीन शर्त रखी। दोस्तों शर्त के अनुसार उर्वशी के पास दो बकरियां थी जिसकी रक्षा राजा पुरुरवा को हमेशा करनी थी, और इसके बाद उर्वशी ने राजा पुरुरवा से कहा कि उन्हें हमेशा घी का सेवन करना होगा और वो दोनों शारीरिक संबंध के समय के अलावा कभी भी एक दूसरे को निवस्त्र नहीं देखेंगे। राजा ने अप्सरा उर्वशी की सारी शर्तें मान ली और उर्वशी से शादी कर ली। दोस्तों इसी बीच उर्वशी और राजा पुरुरवा के 9 बच्चे हुए, लेकिन अप्सरा उर्वशी और राजा पुरुरवा के विवाह से देव खुश नहीं थे। वो उर्वशी को वापस स्वर्ग लोक लेकर आना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक साजिश रची। एक बार रात में जब उर्वशी और राजा पुरुरवा अपना संबंध बना रहे थे, उस वक्त देवों ने उर्वशी की बकरियां चुराने की कोशिश की। उर्वशी ने बकरियों की आवाज सुनकर पुरुरवा को बकरियों को बचाने को कहा। पुरुरवा बिना वस्त्र पहने बकरियों को बचाने चले गए। उर्वशी भी उनके पीछे गई। बकरियों को तो राजा ने बचा लिया, पर उसी वक्त देवलोक से गंधर्वों ने रोशनी कर दी जिससे उर्वशी ने राजा को नग्न अवस्था में देख लिया। देवों के छल के कारण स्वर्ग की उर्वशी राजा पुरुरवा को बिना वस्त्र के देख लिया, जिस वजह से उसी वक्त अप्सरा उर्वशी को स्वर्ग लोक लौटना पड़ा और अपने प्रेम से बिछड़ना पड़ा। तो यह था दोस्तों राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप इसी तरह के धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।